हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास सैमसंग A12 फ़ोन आया है, वो कम्प्लीटली डेड कंडीशन में है। तो यहाँ पे पहले कभी CPU MMC सब रिवॉल्व किया हुआ है, तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से अभी ये डेड कंडीशन में है। तो हम इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर CPU MMC पावर सब यहाँ पर रिवॉल्व किया हुआ लग रहा है मेरे को। तो चलिए अभी हम सबसे पहले LDO लाइन बक लाइन को चेक करेंगे कि हमारी कहाँ से इसका दिक्कत है, इश्यू है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया वीडियो अपलोड नहीं किया, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था इसकी वजह से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पे चार्जिंग पे कनेक्ट करते हैं, तो चार्जिंग पे भी अभी कोई भी रिस्पांस नहीं है और बैटरी कनेक्टर पे भी कोई वोल्टेज हमारा अभी शो नहीं हो रहा है। CPU MMC सब रिवॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको माइक्रोस्कोप में शो कर दूँगा और बोर्ड की कंडीशन भी आपको दिखा दूँगा, और हम किस तरीके से चेक करेंगे, फॉल्ट को फाइंड करेंगे कि अभी इसमें क्या इश्यू हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, हम थोड़ा यहाँ पर आपको शो कर देंगे। और मल्टीमीटर भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। तो यहाँ पे आप कंडीशन इसकी देख सकते हो, CPU MMC पावर सब यहाँ पे रिवॉल्व हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर सेक्शन में हम सब बक सप्लाई को चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, सॉरी हम यहाँ पे कूल टेस्टिंग करेंगे कि कूल टेस्टिंग में हमारी क्या रीडिंग है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी GR आ रहा है, यहाँ पे भी GR चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारी बक सप्लाई पे GR आ रहा है, यहाँ पे भी पा रहा है फ्रेंड्स एक कॉइल्स पे। और एक बार हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ना GR आ रहा है यहाँ पे सही से। यहाँ पे हमारी CPU वाली लाइन सब चेक करते हैं, यहाँ पे भी इसकी GR सब ओके है। तो यहाँ पे CPU को यहाँ पे सही पे लगा हुआ है मेरे को लग रहा है, क्योंकि CPU की लाइन सभी अभी कम्प्लीटली सही आ रहा है। तो हो सकता है लाइट सेक्शन में कहीं शॉर्टिंग हो, तो यहाँ का भी GR ओके है। यहाँ पे भी ग्राफिक्स लाइट सब सेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं, मोटा मोटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी VPH भी हमारा सही है, वहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग का इश्यू नहीं है। मैंने सोचा कि आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, लॉन्ग वीडियो आपको देखना पसंद नहीं हो इसकी वजह से, क्योंकि लंबी वीडियो देखना आप लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि हम 15 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं तो देखने तो 3 मिनट ही देखते हैं इसकी वजह से। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, लेकिन फुल ट्रेसिंग के साथ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी इसकी पावर की जो GR है वो चेक करते हैं, यहाँ पे भी सही है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दो कैप से हमारी शॉर्ट आ रही है और नीचे वाली जो कॉइल्स है वो भी शॉर्ट आ रही है। तो ये फ्रेंड्स हमारा CPU का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी पावर IC शॉर्ट हो सकती है, इसके कारण भी ये लाइन हमारी शॉर्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हम पावर IC को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद देखेंगे।
जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पावर आईसी को रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे अभी हम इसको चेक करेंगे फ्रेंड्स कि हमारी जो पहले लाइन शॉर्ट आ रही थी वो अभी शॉर्टिंग है या फिर अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम है, वो हम एक बार चेक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम आप देख सकते हो, तो मेरे को बताया था पहले कि पहले इस फ़ोन में टच का प्रॉब्लम था तो और चार्जिंग भी नहीं हो रहा था, तो किसी शॉप पे दिखाया होगा तो उसके बाद फ़ोन पूरा डेड हो गया है। तो इसका हमने चेक किया फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से इसका प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी इसमें टच का प्रॉब्लम है। तो टच का मैं पार्ट टू बनाऊंगा। टच में भी वही कंडीशन है फ्रेंड्स, जीआर सभी लाइन पे ओके आ रहा है, सीपीयू भी रिबल हो चुका है, पावर भी चेंज हो गया है, चार्जिंग आईसी भी चेंज हो गया है और टच की जो लाइन होती है वो सभी लाइन पे जीआर सब ओके, फिर भी टच का प्रॉब्लम है अभी इस फ़ोन में। देखिए जो डेड कंडीशन था इसका ट्रेसिंग मैंने आपको पार्ट वन में दिखाया, अभी इसका पार्ट मैं टू बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको फ्रेंड्स कि टच नॉट वर्किंग का जो प्रॉब्लम था वो कैसे हम इसमें सोल्व करेंगे। सीपीयू एमएमसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीपीयू एमएमसी से जो सप्लाई आती है फ्रेंड्स उसका जीआर भी ओके, पावर भी रिप्लेस हो गया है, इसमें चार्जिंग आईसी भी रिप्लेस हो गया है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है तो पार्ट टू का इंतज़ार कीजिए, हम पार्ट टू जल्दी से जल्दी बनाएंगे। और यहाँ पे पार्ट वन में जो प्रॉब्लम हमारी डेड कंडीशन में थी वो मैंने यहाँ पे आपको सोल्व कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप इसके बारे में सब कुछ समझ चुके होंगे कि सीपीयू रिबल होने के बाद भी फ़ोन डेड कंडीशन में है तो आपको किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कि हमारी सीपीयू लाइन सही है या फिर गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।